ऐसा प्रधानमंत्री होता है? अरे देश का स्वाभिमान बनाया था 130 करोड़ ने, अमेरिका गया अपने दोस्त को खुश करने के लिए ड्रम बजा रहा था। अरे मोदी ड्रम वाला है कि बाजे वाला है? तू है क्या? चाय वाला है, किसान है, बैंड वाला है, बाजे वाला है क्या? पहले देश को ये तो बता तू है क्या। ये मदारी, ये है गोगा जादूगर, मेरा नाम गोगा, एक से कड़ाली काटेगा दूसरे से हम, ये जनता समझ गई तो जादूगर नेता नहीं है। ये मोदी बांस से बारिश करवा सकता है भाइयों बहनों, चिंता मत करो, मैं ऐसा बांस ले आया हूँ अमेरिका से जो धूप में पड़ेगी बांस लगाओगे बारिश हो जाएगी, इतना बड़ा झूठा है ये। अरे घोड़ी बुक जब करेगा, हलवाई जब बुक करेगा, जब लड़की मिल जाएगी शादी के लिए। अंबानी ने कानून छापा अपने घर पर बैठ के कोरोना से पहले, इन्हें शराब पी के साइन कर दिए। बकवास कर रहा है, देश को बेच रहा है, गुसद द्वारा कच्छ में जा रहा है किसान के पास, यहाँ रहा दिल्ली के पास, यहाँ योगी आया नू कह रहा है किसान को खेत में होना चाहिए। अरे योगी जी तुम्हें मंदिर में नहीं होना चाहिए, तुम्हें घंटा नहीं बजाना चाहिए। अरे योगी जी घंटा हो तुम, घंटा, घंटे के साथ सो, घंटे के साथ रहो, घंटा बजाओ, तुम्हें ना पता घंटा भी। मोदी जी का यूट्यूब निकालो, ये कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, काम पसंद ना आए तो चौराहे बुला के जूते मारना। ठंड का मौसम है, हर किसान जूता पहरे हुए है, चौराहा भी है, चौराहे पे खड़ा 22 दिन से, आपको ढूंढ रहा, आप दिए जड़ते घूम रहे हो, किसान यहाँ खड़ा आ जाओ, ये ढोंग लीला बंद करो। वो संजू रानी बोल रही है टीवी पे, उस पे 24 पे कि किसान का ये कर दिया, अरे कर दिया, वरे कर दिया। भैंस कहाँ से दूध दे इसे पता है? इसे नू भी नहीं पता, कहाँ भैंस आगे से दूध दे पीछे से दे, गाम आई कभी? इसे पता है कि मुंजी किस सीजन में बुआ, आलू पेड़ पर लगाए या खेत में जमा है? इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें एसी में बैठ के देश बेचने का पता है। अरे मैडम नू बता, चल तू इंटरव्यू में भैंस दूध कहाँ से दे जिसे तू। देखो सरकार को शर्म आनी चाहिए, अगर फायदे का बिल है किसान आत्महत्या क्यों कर रहा? अरे फायदे का बिल ही अडानी अम्मा ने घर छपा, इन्होंने शराब पी के साइन कर दिए, ये देश को बेच रहे हैं, अब नहीं चलेगी ये बात, गलत है, वापसी ले लो और किसान से माफ़ी मांगो, जिसे अन्नदाता बोलते हो उसे अन्नदाता मान भी लो, शर्म नहीं आएगी इसमें। मोदी जी आप कहते हैं सबसे बड़ा देश है, तो देश के सामने काहे की शर्म है? मोदी जी का यूट्यूब निकालो, ये कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, काम पसंद ना आए तो चौराहे बुला के जूते मारना। ठंड का मौसम है, हर किसान जूता पहरे हुए है, चौराहा भी है, चौराहे पे खड़ा 22 दिन से, आपको ढूंढ रहा, आप दिए जड़ते घूम रहे हो, किसान यहाँ खड़ा आ जाओ, ये ढोंग लीला बंद करो कि किसान संगठन ने समर्थन इसने दे दिया, उसने दे दिया, रहमतुल्ला ने दे दिया, इसने दे दिया, ये चोर बाजारी बंद करो, ये तुम्हारे दलाल 5-7 इकट्ठे करके ये ड्राइम बजे टीवी पे देखना बंद करो, इनका खेत टीवी पे, इनका घेर टीवी पे, इनका किसान टीवी पे, इनके नेता टीवी पे, ये टीवी से बाहर नहीं निकल पा रहे, टीवी से बाहर आकर सड़क पा जाओ, देखो क्या हाल है, ठंड में रात को नींद नहीं आती। ये बोलते हैं कि आय दुगनी करेंगे, अरे बेचोगे किसान को, मरेगा नहीं तो क्या करेगा। आज आप लोगों का 18 खेप की पंचायत की खबर आई थी, कैसे देखते हैं कि किस मसले को लेकर बात किया जाएगा? अरे जब अंग्रेजों से देश आजाद हुआ था गोरों से, तब भी तो रणनीति ऐसी बनी थी, ऐसी इंकलाब बढ़ता गया था, ऐसी बढ़ रहा है, इन काले काले अंग्रेजों से देश को कैसे आजाद किया जाए इस पर चर्चा करेंगे, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता नरेश टिकैया जी, राकेश टिकैया जी आदेश लेंगे उसे, उस पर काम किया जाएगा। ये तो अब एक बार बताइए इनकी झूठ की वो देखिए परिकाष्ठा, कल एक संजू है, कोई संजू महिला, वो संजू रानी बोल रही है टीवी पे, उस पर 24 पे कि किसान का ये कर दिया, अरे कर दिया, वरे कर दिया, भैंस कहाँ से दूध दे इसे पता है? इसे नू भी पता, कहाँ भैंस आगे से दूध दे पीछे से दे, गाम आई कभी? इसे पता है कि मुंजी किस सीजन में बुआ, आलू पेड़ पर लगाए या खेत में जमा है? इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें एसी में बैठ के देश बेचने का पता है। अरे मैडम नू बता, चल तू इंटरव्यू में भैंस दूध कहाँ से दे जिसे तू पी है रोज, ये शर्म करो, शर्म करो। फिर क्यों कहा जा रहा है आप लोगों को कि अब इतने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 20-22 दिन हो गए आप लोग, कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद भी पीएम मोदी जी अभी कक्ष गए हुए थे, कक्ष से ये बोल रहे हैं कि किसानों जो है उनको भ्रमित किया जा रहा है, बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? अरे लुटेरो ठग करो, शर्म करो, किसान को क्यों गुस्सा आप दिला रहे हो? अरे अंबानी तुम्हारे वो फुप्पन है जो बनाए स्टोर बनाए गोदाम बने 1.5 साल पहले, उसे सपना आता है, उसने भुज्जा देखी थी। अरे घोड़ी बुक जब करेगा, हलवाई जब बुक करेगा, जब लड़की मिल जाएगी शादी के लिए। अंबानी ने कानून छापा अपने घर पर बैठ के कोरोना से पहले, इन्हें शराब पी के साइन कर दिए। बकवास कर रहा है, देश को बेच रहा है, गुसद द्वारा कच्छ में जा रहा है किसान के पास, यहाँ रहा दिल्ली के पास, यहाँ योगी आया नू कह रहा है किसान को खेत में होना चाहिए। अरे योगी जी तुम्हें मंदिर में नहीं होना चाहिए, तुम्हें घंटा नहीं बजाना चाहिए। अरे योगी जी घंटा हो तुम, घंटा,
घंटे के साथ सो, घंटे के साथ रहो, घंटा बजाओ, तुम्हारा पता घंटा भी झूठ बोलते हो यार। यहाँ 200 मीटर पे शर्म आ रही है, किसान से बात करने में शर्म आ रही है इनको, और कहते हो किसान भाई हो हम तुम्हारा आय दुगुनी करेंगे। अरे मोदी जी 52 पे देश दिया था, डीजल 52 था, आप 74 खरीद रहा हूँ, आय दुगुनी हुई क्या घटी? अरे 5 किलो के चोर, यूरिया 50 किलो कट्टा होता था, 45 कर दिया, 5 किलो चोरी कर लिया चोर ने, और कहता हम ईमानदार हैं। अरे 56 इंच की छाती नापने आ रहा किसान मन की बात करने, 56 इंच पैर बाजू गर्दन छाती सब नाप के, क्या तेरी झूठ बोल रहा है यार, देश को बेचने पर आ लग रहा। भाइयों बहनों एक मिनट यूट्यूब पर निकालो भी, भाइयों बहनों कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं रेल बिक जाएगी, मैं रेल नहीं बेचूंगा। अरे चोर बेच दी, हम बिकार फकीर हैं, झोला लेंगे निकल लेंगे भाई, ये तो निकल लेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे घर में बम रखा है, ये झोला लेके निकल लेंगे, झोला चेक होगा एयरपोर्ट की तरह, क्या कितने में बेचा, किसको बेचा, क्यों बेचा, कहाँ लेके जा रहा है। इन अपने दोस्तों की आय दुगुनी करी है, मोदी बोलते आय दुगुनी करूँगा, मैं तो चौकीदार हूँ, सच बोलते थे अब समझ में आया चौकीदार है। अडानी अंबानी का जनता का नहीं, ये निर्माता खड़ा, निर्माता ये प्रोडक्ट है मोदी, इसी जेब से निकला, इन्हीं के अंगूठे से पैदा हुआ है। ये कह रहे हैं कि किसानों को लगातार भ्रमित किया जा रहा है, और इसलिए भ्रमित किया जा रहा है कि उनकी जो जमीन है वो छीन लिया जाएगा उनसे, इस तरीके की भ्रमित फैलाया जा रहा है। किसान में सभी अकल कम है, ये उठाए 10 बजे सो के एसी में, किसान उठाए 4 बजे खेत में, इससे भी किसान कम समझदार है। तो देश की हर नागरिक को समझ में आ जाएगी कि कह रहा कि एक आदमी सारा देश का अनाज खरीद लो, इनका रिश्तेदार जो जहाज वाला, जब वो खरीद लेगा तो फिर अपने दाम पर बेचेगा, किसान की का क्या होगा भाई, फिर कैसे बातचीत बनेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, दूसरे साइड जो किसान बैठे हुए हैं वो इतना ठंड बैठे हुए हैं, आत्महत्या भी करने को मजबूर हो रखे हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, और दूसरे साइड से ये कह रहे हैं उनको बरगलाया जा रहा है, तो ऐसे कब तक चलने वाला है। अंग्रेजी अब देश आज़ाद हुआ, जब रंग दे बसंती चोला बजा, तो वे कैसे माने थे, ये भी ऐसे ही मानेगा, पैर तो जरा टेक के देखियो। अरे खेती बच रही थी लुटेरो, इसे भी छीन लोगे। अरे किसान का फायदा ये बोलते हैं, टीवी पे भोंकते हैं कि किसान का बहुत फायदा, बहुत कितना, इतना इतना पहाड़ जैसा, हम पूछते कौन कौन सा गिन के बता दे, 1 2 3 4 5, गिनती नहीं आती, क्यों कुछ है ही नहीं उसमें। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो किसान हैं इस बिल का समर्थन करते हैं। समर्थन तो दलाल अंग्रेजों का समर्थन ना कर रहे दलाल, हर राजा हर सरकार अपने दलाल एजेंट पाल के रखती है, पैसे वाले भोंपू नहीं बोलते हैं, गाँव में भांड होते थे पहले, भांड, ये भांड समर्थन कर रहे, किसान तो यहीं कहीं बैठा, यहीं कहीं। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो किसान आ रहे हैं अब उनकी डिमांड ये हो गई है, जो समर्थन करते हुए आ रहे किसान, उनकी डिमांड ये है कि अगर ये बिल वापस ले लिया जाता है तो अब वो धरने में बैठ जाएंगे, वो अरे ताकि इनमें टकराव हो जा। अरे यही बात, तुम मंत्री जी तुम हराम का खा रहे हो देश का, नौकर कहीं के बताते थे चौकीदार हैं, अपने 20 बच्चों को मंदिर में लेकर बढ़ के बात कह देगा, आत्मा तो इसकी भी जाना है कि चोरी हुई है, उसे ढकरे आत्मा तो इसकी भी जाना है कि अंबानी के घर लिखा गया कानून, इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म करें। मोदी जी का हमें ये पता नहीं चलता है क्या, ये चाय वाले हैं किसान है, पहले ये साबित करके बतावे, जब वोट मांगना है जब चाय वाले थे, अब फोटो डाल रहे मैं किसान हूँ, अरे तू है उनका गुर्गा, किसान जेस बेच दिया 2 के घर में, 2 आदमियों को देश दे दिया, एक बार बताओ 67 67 67 हज़ार करोड़ रुपए अडानी के माफ करे इसने, क्यों गरीब है वो, 67 हज़ार करोड़ NPA करा अकाउंट किसान के, क्या कर रहा है किसानों के लिए, कह रहे हैं कि 70 साल से उनकी डिमांड रही है, वो घुट घुट के जी रहे थे, हमने उनको आज़ाद कर दिया बिल लाते, हाँ कर दिया आज़ाद, राइट बात, अब आया है बात की बात पे, आज़ाद कर दिया, खेत से के जाओ भाग जाओ, अब जो है तुम बाण बटो या भुट्टे बुनो, आज़ाद कर दिया खेत से, और किस चीज़ से नहीं। अरे इन्हें नू शर्म नहीं आती, कहते हमने MSP हटाई कहाँ है, अरे हम नहीं तो करें हटाओ मत, अरे 800 में लूट ली मक्का 1800 1850 की, क्या करेंगे इस MSP का, इस देश में MSP, मैं बचपन से 45 साल का होगा 3 चीज सुनता रहा हूँ, हमारे घर वाले जानकार हाथ में चीज छीन के नुका देगा, कोको लेगी कहाँ लेगी, हाथ ही नहीं आई, बाद में लगा पता ये तो वे तो बनाई हुई चीज़ है, ऐसी MSP हाथ नहीं आ रही है।
ये किसान सीधा साधा दिल्ली जा रहा था। मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये बिल लाने से पहले करीब 1 करोड़ लोगों से बातचीत करके लाया गया है, तो फिर वो 1 करोड़ लोग है कौन जिसे बात कोई भी? अरे कोरोना में 1 करोड़ कहाँ मिले तुझे, यो 250 भी कह सके। ये मोदी बांस से बारिश करवा सकता है कि भाइयों बहनों चिंता मत करो, मैं ऐसा बांस ले आया हूँ अमेरिका से, जो धूप में पड़ेगी बांस लगाओगे बारिश हो जाएगी। इतना बड़ा झूठा है ये, 1 करोड़ लोग कहाँ मिले ऐसे भाई, बताइए जगह बताइए कोरोना में नू बताओ। दिल्ली जा रहा था सीधा साधा किसान, चुपचाप नियत्ता, इन्हें पानी पानी छिड़कवाया, लाठी चलवाई, क्या चाहता है? इसके बाबा की दिल्ली है, इसका पिताजी ने वसीयत करी है। अरे हमारी दिल्ली, हमारी बनाया हुआ प्रधानमंत्री हमें शांतिपूर्ण किसान को रोक लेगा? इस देश में कोर्ट ये कहती है रोड जाम करे तो ये अपराध है, रोड जाम पुलिस ने करा, मुकदमा लिखो। आप किसानों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि जगह जगह पे है चौराहे चौराहे पे चौपाल लगाए जाएंगे और किसानों को समझाएं? आदमी तो यहाँ है, मैं परसों न्यूज वन इंडिया पर डिबेट में था, विधायक कह रहा था यही बात, मैंने उसे कहा विधायक जी शर्म बच रही है इतनी, गांव तक पहुंचोगे, औरतें फोन कर रही है हमारी चाची ताई के कौन से दिन आ रहे हैं उत्ते नू बता, नास गए इनके झाड़ू से पिट्टूंगी ने, इनके इनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। किसी गांव में जाके फोन करके बता दे टीवी पे कि उस गांव में गए थे, यहाँ कैमरा ले आओ। अब ये क्या अलुल्ला तुम्हें करेंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे गाँव में, ऐसा प्रधानमंत्री होता है? अरे देश का स्वाभिमान बनाया था 130 करोड़ ने, अमरीका गया अपने दोस्त को खुश करने के लिए ड्रम बजा रहा था। अरे मोदी ड्रम वाला है कि बाजे वाला है, तू है क्या? चाय वाला है, किसान है, बैंड वाला है, बाजे वाला है क्या? पहले देश को ये तो बता तू है क्या। ये है मदारी, ये है गोगा जादूगर, मेरा नाम गोगा, एक से कलाली काटेगा दूसरे से हम, ये जनता समझ गई तो जादूगर नेता नहीं है। संघर्ष कब तक जा रहने वाले का? जब तक कानून वापस ना हो जा, संघर्ष संघर्ष करा जिंदगी भर हमने, तो खेत में भी संघर्ष, सड़क पर भी संघर्ष, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक कानून उठाकर नहीं भाग जाते।